हाय गाइस, मैं हूं दिव्यांश, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक ऐसे स्पीकर की जिसके लिए मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था इसको एक्सप्लोर करने के लिए। बोटस्टोन 1500 ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ फ्लिपकार्ट पे। इसे देख के मुझे लगा कि नहीं, इसको तो मैं अनबॉक्स करूंगा और देखूंगा कि क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। तो फटाफट से हम लोग इसके डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है। बट उससे पहले गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग के बीच का जो प्यार है बना रहे और आने वाले वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलो इसके अनबॉक्सिंग को हम लोग शुरू करते हैं। चलो तो बॉक्स हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। तो स्टोन 1500 यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉर विद द बीस्ट टैगलाइन इसका यूज करी इन्होंने। बोट की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। टर्न ओवर करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको और देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ इसके हाईलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। मैं क्लोजली आपको दिखा देता हूँ इसके सारे हाईलाइट्स क्या है यहाँ पे। तो 40 वॉट का आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। TWS फंक्शन अवेलेबल है इसमें। यहाँ पे आपको हैंड्स फ्री कॉलिंग के स्पीकर प्रोवाइड किया है। IPX6 वाटर रेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऑक्स USB और ब्लूटूथ के थ्रू आप इसमें म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। स्ट्रैप दिया है कैरी वगैरह करने के लिए। प्राइसिंग जो बॉक्स पे दिए गाइस वो है 12,999 रुपीज, बट ओरिजिनल प्राइसिंग बहुत कम है गाइस, और वो आपको वीडियो में आगे मैं बता दूंगा। तो हम लोग फटाफट से इसको खोल लेते हैं, इससे कंटेंट वगैरह चेक करते हैं कि क्या कुछ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से, हम लोग इसको एक बार चेक करते हैं। तो टॉप ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे एक व्हाइट कलर का बॉक्स मिलेगा, इसमें सारी एसेसरीज रखी हैं। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, साइड में रखता हूँ, और सबसे पहले जो हम लोग स्पीकर को निकाल लेते हैं और फिर हम लोग डिटेल में चीज़ों को जानते हैं। चलिए गाइस, तो ये है बॉक्स छोटा सा जिसके बारे में मैंने बात की थी। खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिया है बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप देखने को मिलेगा टॉप ऑफ द बॉक्स, जो कि आपको कैरी वगैरह करने के लिए दिया है स्पीकर को। काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ प्रोवाइड किया, हुक वाले हैं, बस ईजिली लग जाते हैं ये। अब और क्या है इसमें बॉक्स में, तो मैं निकालता हूँ। यहाँ पे पेपर वर्क है कुछ, तो ये वही बेसिकली जो हर बार बोट के प्रोडक्ट के साथ मिलता है। आपको इनके प्रोडक्ट्स की टूर गाइड है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और भी जो प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल हैं आप इनके वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या देख मिला है, यहाँ पे शायद एक साल का वारंटी कार्ड जो मिलता है। QR कोड को स्कैन करना होगा आपको, और एक साल की वारंटी जो है आप इसके साथ स्पीकर को क्लेम कर पाएंगे। सो अगली चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बॉक्स के अंदर, कुछ केबल्स। एक जो है यहाँ पे टाइप सी केबल दी है इन्होंने। जी हाँ, टाइप सी केबल इस बॉक्स में आपको देखने को मिलती है, जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेंथ भी यहाँ पे अच्छी आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज़ यहाँ पे आपको दी है केबल में, वो है एक ऑक्स केबल जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। गोल्ड प्लेटेड नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गोल्ड प्लेटेड, बट नहीं है ये। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है इसकी भी, आप लोग कनेक्ट करके म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं इसके थ्रू भी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी मैनुअल, जहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में, कि कैसे इसको कनेक्ट करना है, कैसे डिसकनेक्ट करना है, सारे फीचर्स, सारे बटन्स के फंक्शंस वगैरह आपको इस मैनुअल में देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे स्पीकर यूनिट के बारे में, तो मैं क्लोजर ओवरव्यू देता हूं आपको। टॉप पे आपको यहाँ पे 4 बटन देखने को मिलते हैं। एक जो है इसमें बटन है वो पावर ऑन ऑफ का बटन है। इसके पास में जो बटन है गाइज वो है आपका वॉल्यूम डाउन का, और फॉरवर्ड प्ले करना हो म्यूज़िक को तो उसके लिए दिया हुआ है। टर्न ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक जो है नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है, ब्लू कलर की जो नोटिफिकेशन लाइट है। व्हाइट कलर की जो लाइट आपको दिख रही है गाइज वो बैटरी इंडिकेशन है। तो ये आपको यहाँ पे 3 लाइट मिलेंगी बेसिकली, जो कि बैटरी इंडिकेशन आपको देती हैं। इसके अलावा सेंटर में जो है प्ले पॉज का बटन है, और उसके बाद में जो है प्लस का बटन आपको देखने को मिलेगा। हुक लगाने की जगह आपको दी है यहाँ पे, जहाँ से आप इसको कैरी कर सकें स्पीकर को। तो जो स्ट्रैप दिया है उसको आप वहाँ लगा सकते हैं। ये पैसिव रेडिएटर है आपका, यहाँ पर 2 पैसिव रेडिएटर दिए हैं दोनों साइड में। फ्रंट में जो गाइस आपको यहाँ पे बोर्ड का लोगो देखने को मिलता है, और उसके पीछे जो यहाँ पे 2 स्पीकर लगे हैं 20-20 वॉट के, जो यहाँ पे आपको 2 स्पीकर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नीचे जो बेस कंपोनेंट है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है आपको चार्जिंग कंपोनेंट्स और जितने भी स्पीकर में कंपोनेंट्स लगे हैं उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है आप 5x2 यानी कि यहाँ पे 10 वॉट का चार्जर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको इनपुट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको USB, ऑक्स और आपको टाइप सी का पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ से आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्पीकर है यह, आप देख सकते हैं सभी चीज़ इसमें। तो गाइज़ हम लोग इसका ओवरव्यू ले लिया है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में वर्डिक में। Maximum volume.
चलिए गाइस फनो वर्डी की बात कर लेते हैं हम लोग स्पीकर के बारे में। तो मैं तीन पॉइंट्स में आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं इसके बेल्ट और डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन अगर आप लोग देखेंगे तो स्पिनेक्स 2 आपने अगर देखा होगा तो बिल्कुल सिमिलर डिजाइन है यहाँ पे, बिल्कुल सिमिलर, थोड़ा सा उसका बड़ा भाई कह सकते हैं यहाँ पे आप डिजाइन के मामले में। बट यहाँ पे जो क्वालिटी है वो काफी ही अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोथिंग करी हुई है वो काफी शानदार, और टेक्सचर जो फिनिश है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। बात करें यहाँ पे जो साइड में जो थोड़ा सा प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर यहाँ पे थोड़ी सी रबड़ कोटिंग करी हुई है उन्होंने ताकि जो है प्रीमियम फील आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप थोड़ा ड्रॉप होता है किसी हाइट से तो इस पर डैमेज ना हो, प्लास्टिक थोड़ा सा मोल्डेबल यहाँ पर है। बात करें यहाँ पे बेस में, तो बेस में जो इन्होंने जो है फ्लैट बेस दिया है और यहाँ पे भी जो है रबड़ आपको देखने को मिलता है और रबड़ की क्वालिटी अच्छी है, ताकि इनके साथ उसको प्लेस करना हो तो प्लेस करने में कोई भी इशू ना आए, कहीं भी हिले नहीं, एकदम प्रॉपरली जो है ये प्लेस हो जाते हैं। यहाँ पे जो है स्ट्रैप भी काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है, नायलॉन जो है स्ट्रैप यहाँ पर है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है स्ट्रैप की भी। तो बेल्ट और डिज़ाइन के मामले में तो मैं गाइस थम्स अप दूंगा, काफ़ी ही अच्छा स्पीकर लगा मुझे बेल्ट और डिज़ाइन के मामले में। बात करते हैं हम इसकी अब साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी गाइस बहुत ही अमेजिंग है, मुझे कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिला। ट्रेबल्स की बात करूँ या बेस की बात करूँ, सभी बहुत ही अच्छा है। स्पेशली बेस की अगर बात करूँ मैं गाइस, तो बेस काफ़ी अच्छा है इसमें, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बेस में वो है इसकी डेप्थनेस। बेस में जो डेप्थ है वो बहुत ही अमेजिंग है। बेस तो गाइस आप लोगों को प्यार हो जाएगा इसके बेस। ट्रेबल्स से अगर बात करूँ मैं गाइस, तो ट्रेबल्स भी बहुत क्लियर हैं, क्लीन है एकदम, कहीं भी आपको डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता है, हाई हो, लोज हो, मिड्स हो, सभी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे इसमें। बात करें यहाँ पे लाउडनेस की गाइस, तो 40 वॉट की लाउडनेस आपको यहाँ देखने को मिलती है और लाउडनेस काफ़ी अच्छी है। मैंने इसको इंडोर में प्ले किया, इसको आउटडोर में प्ले किया, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यानी कि छोटी पार्टी आप लोग इसके साथ होस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। रिस्पॉन्स यहाँ पे बहुत सही है स्पीकर्स का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगा इसका साउंड गाइस, थम्स अप दूंगा। बात करते हैं अभी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो इसकी गाइस वो है 4500 रुपीज़, यानी कि अभी सेल में मैंने इसे 4500 रुपये में परचेस किया है। बॉक्स पे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लिखी हुई है, अब आगे प्राइस बढ़ सकती है मुझे नहीं पता, बट फीचर्स से अगर बात करूँ यहाँ पे तो फीचर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं आपको। 40 वॉट का आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है। इसके अलावा सेकंड जो यहाँ पे है बैटरी वो है 4000 mAh की। 4000 mAh की बैटरी जो है आपको 8 घंटे तक का प्लेबैक दे देती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्लेबैक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे वाटर रेटिंग की, जो कि है IPX6, जो कि आपको वाटर एंड शॉक प्रूफ इस पर्टिकुलर स्पीकर को बनाते हैं। तो पूल वगैरह के साइड में अगर इसको प्ले करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बारिश वगैरह में प्ले करना है तो कोई इशू नहीं आएगा, इसको आप प्ले कर सकते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे दूसरे फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ऑक्स और USB दोनों का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो यानी कि ब्लूटूथ, ऑक्स और USB आप इसमें तीन तरीके से जो है म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे आपको दो बड़े पैसिव रेडिएटर दिए हैं जो कि बेस काफी अच्छा क्रिएट करते हैं, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, अगर आपके घर में एक हॉलो स्पेस है तो आप वहां पर स्पीकर को प्लेस करें, बेस जो है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है, ये जो पैसिव रेडिएटर है उस बेस को काफी ज्यादा एनहांस कर देते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर और भी है, वो ये है कि अगर आप फ्यूचर में ऐसा एक और स्पीकर खरीदते हैं तो आप उन दोनों को साथ में पेयर करके एक स्टीरियो इफेक्ट बना सकते हैं, यानी कि इसमें TWS अवेलेबल है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अधिकतर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा चार्जर हम लोग यूज़ करें, तो यहाँ पे आप लोग जो है 10 वॉट का चार्जर इसको चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Type-C पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो फास्ट चार्जिंग इस पर्टिकुलर डिवाइस में अवेलेबल है। तो गाइस सभी डिपार्टमेंट ये स्पीकर काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल के लिए हम लोग साइन आउट करते हैं, जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टेडी रहिएगा।